subscribe now for all the latest and trending updates. सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही स्टार किड्स और आउटसाइडर्स की बहस एक अलग स्तर पर पहुंच गई है, जहां कई सारे फैंस स्टार किड्स के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें स्टार किड्स से कोई भी आपत्ति नहीं है और वो आउटसाइडर्स के लिए बराबरी के मौके की पैरवी कर रहे हैं। अब बता दें कि इसी बहस में करण जौहर और सलमान खान जैसे कई सारी हस्तियों पर लोगों का गुस्सा फूटा है, जो अक्सर अपने बैनर तले स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं और लगातार ही नेपोटिज्म का मुद्दा उछल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में लॉन्च की तैयारी कर रहे स्टार किड्स को ज़बरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन लॉन्च जल्द हो सकता है। बता दें हम सभी को कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना साफ कर चुकी हैं कि वो एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहती हैं। वो फिलहाल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। सुहाना के कुछ समय पहले ही एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू। इस शॉर्ट फिल्म में सुहाना की स्क्रीन प्रेजेंस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। वो उन गिने चुने सितारों में से हैं जो कि बिना बॉलीवुड डेब्यू के वोग इंडिया के कवर पर नजर आ चुकी हैं, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल भी किया गया था। और अब इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि सुहाना अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री पूरी करने के बाद फिल्मों में नजर आएंगी। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी अपने पिता और बहन आथ्या शेट्टी की तरह ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अगर इन रिपोर्ट की मानी जाए तो तेलुगु हिट फिल्म RX 100 के रीमेक के साथ अपना डेब्यू वो कर रहे हैं। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं, इस तरह की खबर है। तो वहीं अहान अपने डेब्यू से पहले ही इंस्टाग्राम पर काफ़ी पॉपुलर हैं। अनन्या पांडे की बेस्ट फ्रेंड और साथ ही संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर स्टार किड्स की लिस्ट में शुमार है। 20 साल की शनाया ने पिछले साल पेरिस के प्रतिष्ठित लीबल्स डेस्क में डेब्यू किया था। शनाया इसके अलावा जानवी की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। और तो और पिछले कुछ सालों में स्टार किड्स ने सफलता हासिल करने के लिए जितने कदम उठाए हैं शनाया वो सभी प्रयास कर रही हैं। सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय शनाया को बड़े पर्दे पर देखा जल्द जा सकता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आर्यन को एक्टिंग में खास दिलचस्पी तो नहीं है। शाहरुख ने डेविड लेटरमैन के साथ इंटरव्यू में ये बताया था कि वो राइटिंग को लेकर ज़्यादा उत्साहित हैं। शाहरुख ने यह भी कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि उसे फिल्म स्टार बनने में कोई भी रुचि है, लेकिन उसे लिखने का बेहद शौक है और वो अच्छा लिखता है। शाहरुख ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि एक्टर बनने की चाह अंदर से आती है। उसने मुझसे कहा था कि उसकी हर बार मेरे साथ तुलना होगी और वो अपने आप को इस पोजीशन में नहीं देखना चाहता। हालांकि इससे पहले भी कुछ स्टार किड्स के माइंडसेट में बदलाव आ चुके हैं और वो अपना फैसला बदल चुके हैं। ऐसे में आर्यन को सिनेमा के पर्दे पर देखने के लिए लोग उत्साहित बने हुए हैं। अनन्या पांडे ने साल 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू किया था। पिछले कुछ टाइम से उनके भाई अहान पांडे कि भी बॉलीवुड में डेब्यू की चर्चाएं जोरों पर है। अहान का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फिल्मों को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थीं कि जिनमें कहा गया कि अहान को यशराज बैनर लॉन्च कर सकता है। वहीं गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा अपने क्यूट लुक्स के चलते हमेशा खबरों में रहे और कई फैंस उन्हें यंग रणवीर कपूर भी कहते हैं। यशवर्धन की बहन टीना सारेगामा की म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं। हालांकि यशवर्धन अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आए। उन्होंने लंदन के फिल्म स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और वो ये भी कह चुके हैं कि एक्टिंग उनका पैशन है और वो कॉमेडी फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। साल 2017 में छपी हुई एक रिपोर्ट की मानी जाए तो यशवर्धन साजिद नाडियाडवाला की मार्केटिंग टीम का हिस्सा बनकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बारीकियों से भी रूबरू हो चुके हैं। सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री की बेटी एलिजे भी अपने बॉलीवुड लॉन्च के लिए तैयार हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स इस तरह की भी थीं कि वो सलमान की फिल्म दबंग 3 में अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हैं, लेकिन इस फिल्म में एलिजे की जगह महेश मांजरेकर की बेटी साई ने अपने डेब्यू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान एक रोमांटिक ड्रामा से एलिजे के बॉलीवुड करियर की शुरुआत करना चाहते हैं।
आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी इरा खान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। वो एक प्ले भी डायरेक्ट कर चुके हैं जिसमें युवराज सिंह की वाइफ हेजल कीच ने लीड भूमिका निभाई थी। इस प्ले को क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा था, हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इरा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं या फिर नहीं, लेकिन ये साफ है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बेटी इरा एक्टिंग के साथ ही डायरेक्शन की भूमिका बखूबी निभा सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान के बॉलीवुड में करियर बनाने की। जी हाँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनके पिता भी सैफ इसे कंफर्म कर चुके हैं। इब्राहिम अपनी बॉडी के लिए भी पहचाने जाते हैं और वो सुहाना की तरह ही अपने डेब्यू से पहले प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पर नजर आ चुके हैं। इब्राहिम की बहन सारा पहले ही अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। अपने भाई के बारे में बात करते हुए सारा ने एक बार कहा था कि उसकी आंखें काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं। सैफ के बेटे और सारा और तैमूर के भाई इब्राहिम ने हालांकि अब तक अपने बॉलीवुड प्लान्स पर ज़्यादा बातचीत नहीं की है। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now for all the latest and trending updates.